हमारे चैनल इस्लाम आपके लिए को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं नहीं बोलता, आप बोलो। दूध को दूध बोला तो मुझे गुस्सा करने का हक नहीं है, शराब को शराब बोला तो मुझे गुस्सा करने का हक नहीं है। अब लोग बोलते हैं, एक जवाब इन लोगों की तरफ से क्या होता है, मक्के और मदीने में अल्लाह ताला ने काफिरों की हुकूमत दे दिया है, वहां की हुकूमत को ये मुजावर, वहां की हुकूमत को ये ऊददान, वहां की हुकूमत को ये फातिहा दरूद वाले मुसलमान नहीं मानते। अबू दाऊद की हदीस से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन अरादा المدینہ بسوئین, जो आदमी मदीने के बारे में बुरा इरादा करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे ऐसे मिटा देता है जैसे पानी में नमक को मिटा देता है। वक्त करीब आ गया होगा इन लोगों को, अगर उन लोगों को मदीने का मंजर पेश करेंगे, मक्के का मंजर पेश करेंगे, वो कहते हैं कि मक्के और मदीने में तो मुसलमान है ही नहीं है, इसीलिए वो आज भी मक्के के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, आज भी मदीने के इमाम के पीछे आज भी नमाज नहीं पढ़ते। अरे मदीने का इमाम अगर मुसलमान ना होता तो पैगंबर पसंद करते कि अपने बिल्कुल करीब में, यहां पैगंबर का रोजा है बोले तो यहां नमाज पढ़ने वाले इमाम का मेहराब है, बिल्कुल करीब में इमाम का दर्जा, बिल्कुल करीब में इमाम का मकाम। बाज़ उलमा फरमाते हैं मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की पूरी नमाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। अगर वहां के इमाम मुसलमान न होते नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो फिर पैगंबर अपनी मस्जिद में क्यों ऐसे इमाम को खड़ा करते? मदीने को गाली देना, मदीने वालों को गाली देना, मक्के वालों को, वहां की हुकूमत को भी गाली नहीं देना। इसीलिए लोग कहते हैं, हजरत हुकूमत के बादशाह वहां बड़े अय्याश को बोलकर बोलते हैं, खुसूसन मक्के के बादशाहों के बारे में कहते हैं, अमरीका मिल गया तो अमरीका उनको दो चीजें दे डालता हजरत, एक शराब एक शबाब दे डालता, वो लगा पिघल जाते हैं बोलकर। वहां जाने के बाद हकीकत मालूम हुई कि नहीं, यहाँ की खिदमत करने वाला ना शराब का आशिक होगा ना शबाब का आशिक होगा। दोस्तों काबतुल्लाह के खिलाफ है, काबतुल्लाह के खिलाफ में पूरे कुरान की आयतें हैं, उस कुरान की आयतों के बीच में शाह फहद का नाम है। बचाओ कि अगर वो जानी और शराबी होता तो खुदा उसके नाम को अपने घर के गिलाफ में लगाता। रुके में नामा डालते हम लगा डालते कि नहीं डालते? भांजे की शादी हुई तो पूरा का नाम डालते, फलां का मानू अल मुंतजरीन अल मुश्तहिरीन क्या क्या की डालते नहीं? साले की शादी हुई तो भोना कितने 10 भोनाया रहे तो 10 के नामा डालना, खुदा ना खास्ता इन्हें तो लिखो दिया प्रेस वाला छोड़ डाले नाम, रुके में मेरा नाम नहीं आया बा, गए तू भी जाना नहीं, बच्चों को भी भेजता नहीं, जानत नहीं कि इसके शादी को की, तो इसका रुखे में नाम नहीं आया। कहते ये को कुछ बड़ा बोलकर आ गया ना, बस नहीं अरे कुछ छोटा ना, चलिए भी अगर रुखे में नाम डालते हैं, ऐसे वैसे आदमी का नाम डालना पसंद करते नहीं? पसंद, मामूली हमारी शादी में गलत आदमी का नाम डालना पसंद नहीं करते। खुदा अपने घर के खिलाफ में क्या एक जानी का नाम डालेगा? नहीं ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां की हुकूमत न शराबी होगी न शबाबी होगी, वहां की छोटे मोटे गुनाह हो जाते होंगे वो और बातें, अल्लाह ताला उनकी खिदमत के सदक़े में उनके गुनाहों को माफ फरमाया और माफ भी करता होगा वो अलग बात है, लेकिन वहां की हुकूमत अखलाक के एतबार से मुझे उम्मीद है कि इंशा